हेलो फ्रेंड्स, ओम लव्स बायोलॉजी की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी वीडियो एक और इंटरेस्टिंग स्पेसिमेन के बारे में रहेगी। ये वीडियो है एक बहुत कॉमनली पाई जाने वाली फिश के बारे में, विच इज ऑल्सो नोन एज रोहू फिश और लैबियो रोहिटा, जो कि इसका साइंटिफिक नेम है। तो आप मेरे सामने देख सकते हैं लैबियो रोहिटा यानी कि रोहू फिश का एक लाइव स्पेसिमेन। Now this live specimen actually means कि इसके अंदर एक real fish preserve की गई है। अब हम थोड़ा सा जानते हैं कि इस fish के general features क्या होते हैं और अब क्या क्या इस specimen में observe कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो एक streamlined body, यानी कि दोनों point से tapered and pointed fishes की body होती है, ताकि उनका movement या locomotion facilitate हो सके। इसके अलावा पेयर ऑफ गिल्स जो कि ओपरकुलम के अंदर होते हैं, तो आप ये हेड रीजन के नीचे ये एक आर्क देख पाएंगे बहुत बड़ी। दिस इज नोन एज ओपरकुलम एंड इस ओपरकुलम के नीचे इस फिश की गिल्स होती हैं। देन दिस फिश हैज स्केल्स ऑन इट्स बॉडी एंड स्केल्स आर बोनी इन नेचर, दैट्स वाई ये जो फिश है ये ऑस्टिकथाइस क्लास में लाइक करती है, यानी कि दिस इज अ बोनी फिश। इसके अलावा द बॉडी इज वेरी वेल डिफ्रेंशिएटेड, यानी कि आप हेड देन उसके बाद बॉडी रीजन एंड टेल रीजन बहुत अच्छे से देख पाएंगे। इसके अलावा हमारे पास डॉर्सल फिन्स एंड पेल्विक फिन्स, वेंट्रल फिन्स, कुछ ऐसे फिन्स हैं जो कि इसमें पाए जाते हैं। आप डॉर्सल फिन को बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं एंड यहाँ पर हमारे पेल्विक फिन भी बहुत अच्छे से विजुअलाइज हो सकता है, राइट? तो अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास डॉर्सल फिन एंड पेल्विक फिन एज वेल एज पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स जो कि ओपरकुलम के नीचे पाए जाते हैं, दे आर बिटवीन 2 to 4, बेसिकली 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स आर फाउंड बीनीथ द ओपरकुलम। इसके अलावा अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पर इसकी स्केली बॉडी है एंड अगर मैं बात करूँ बॉडी इज फुली डिफ्रेंशिएटेड एंड एक और चीज़, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम आर ऑल वेरी वेल डिफ्रेंशिएटेड। एंड अगर इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर होता है मीजोनेफ्रिक किडनीज, यानी कि वो किडनीज जो ह्यूमन एम्ब्रियोज में देखी जाती है एट वेरी प्रिमिटिव स्टेजेस, तो वो इसके अंदर पाई जाती है। दैट किडनी, आई एम गोना रिपीट द नेम, इज मीजोनेफ्रिक किडनी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसके और जनरल फीचर्स की, तो ये फ्रेश वाटर फिश है जो कि आमतौर पर पॉन्ड्स या नॉर्मल रिवर्स में पाई जाती है एंड दिस फिश इज वाइडली कंज्यूम्ड इन पार्ट्स ऑफ इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल एट्सेट्रा, एंड दिस फिश इज ऑफ अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। तो अगर मैं इसके ओवरऑल बॉडी पे देखूँ, सो वी ऑल्सो हैव स्केल्स और दी साइक्लॉइड स्केल्स जिसको हम कहते हैं एंड द टेल रीजन। तो टेल रीजन जो होता है इसका, इट इज़ वेरी नैरो एंड कंप्रेस्ड एंड टेल रीजन के बीनीथ कॉडल फिन्स प्रेजेंट होते हैं एंड कॉडल फिन्स एक्चुअली हेल्प इन द लोकोमोशन ऑफ दिस फिश। अब लोकोमोशन का क्या मतलब है? लोकोमोशन यानी कि फिश एक पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी तक कैसे मूव कर रही है, इस लोकोमोशन एंड मतलब मूव करने के उसके नेचर को लोकोमोशन कहा जाएगा एंड जो लोकोमोशन का नेचर है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, इज द कॉडल फिन, राइट? तो ये था हमारा स्पेसिमेन रोहू फिश का, जो कि एक बोनी फिश है एंड इट इज फाउंड इन फ्रेश वाटर्स वेरी कॉमनली। इस स्पेसिमेन के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप दी गई मेल आईडी पर हमें संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल ओम लव्स बायोलॉजी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।